दीपक की महत्वता अपने आप में अद्भुत है। शास्त्र प्रमाण कहता है, विशेष तिथियों में लगाया गया दीपक कभी खाली नहीं जाता। आज है गुरुपुष योग, गंगा सप्तमी और गुरुवार का दिव्य संयोग। अपने आप में कई तरह के शुभ संयोग आज के दिन निर्माणित हो रहे हैं। आप सभी कुछ भी नहीं कर सके तो मात्र दीपक के इन सरलतम उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सभी काम बनते चले जाएंगे। दीप महत्वता आज ही नहीं, शास्त्रीय विधि से शास्त्रीय प्रमाण कही गई है। मात्र दीपक लगा लेने से और कुल देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थी होते हुए उनका धन्यवाद और स्मरण करते हुए दीपक लगा लिया जाए तो जीवन में कोई भी ऐसी कामना नहीं जो अधूरी रहे, हमेशा ही वह कामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से इस वीडियो में दीपक के कई उपाय जानने समझने को मिलेंगे। उसमें से सरलतम आप एक कर लेते हैं ना तो आप जीवन में हमेशा उन्नति की सीढ़ी चढ़ेंगे, परिवार में वृद्धि होगी। कोई भी एक व्यक्ति करता है ना कोई कार्य तो पूरा परिवार उसका फल प्राप्त कर लेता है। तो पहला उपाय आप सभी को दीपक का करना है आवश्यक रूप से। जो मैं स्थान बताने जा रही हूँ इन स्थानों में कोशिश करें आज दीपक लगाने की, नहीं लगा पाए तो एक दो स्थान पर भी लगा लेंगे ना तो काफ़ी रहेगा। तो पहला स्थान गुरु पुष्य योग के साथ साथ, जैसा मैंने बताया, ये बहुत सारे संयोग हो रहे हैं, तो देवालय सबसे पहले किसी भी मंदिर में, या तो श्री हरि विष्णु या महादेव के मंदिर में जरूर से आज दीपक लगाना है। प्रभु से क्षमा प्रार्थी होते हुए, जैसा मैंने बताया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए दीपक लगाएं और किसी देवालय में अर्थात मंदिर में जरूर से दीपक लगाना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से केले वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है। आज जो है केले के कई उपाय प्रचलित हैं, केले की जड़ पुष्य नक्षत्र में, पुष्य योग में कई उपाय प्रचलित हैं, तो आप सभी को केले का एक जो है केले वृक्ष के नीचे हल्दी मिश्रित करके दीपक लगाना है। पीपल वृक्ष में भी लगा सकते हैं, साथ ही आप सभी को तुलसी माँ में भी दीपक जरूर से लगाना ही है आज के दिन। इन सरलतम स्थानों पर से एक स्थान पर जरूर से लगाइएगा, लाभ मिलेगा। हमेशा जो देव पुरुष होते हैं उनके लिए गोल बत्ती का प्रमाण मिलता है, जो देवी माँ होती है वंश वृद्धि धन लक्ष्मी वृद्धि करती है उनके लिए लंबी बत्ती का प्रमाण हम सभी को शास्त्रों में दिया गया है। इसके साथ ही अन्य उपाय बताना चाहूंगी। दो मुखी दीपक का उपाय आप सभी को जरूर से करना है। आप सभी को दो अलग अलग बत्तियां ले लेनी है शिव और शक्ति के नाम की। आप सभी को चले जाना है बेलपत्री वृक्ष के नीचे। बेलपत्री वृक्ष ना हो तो शिव मंदिर में भी शिव और शक्ति का स्मरण ध्यान करते हुए आप सभी को यह दीपक लगा देना है। यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी कामना है, मनौती है, जो भी पीड़ा है, कष्ट है, शिव और शक्ति आपके सभी कष्ट निवारण करते हुए मनोकामना पूर्ति के योग बनाएंगे। इस उपाय को भी कर सकते हैं, काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही आज के दिन तुमरुका जी के नाम का भी उपाय कर सकते हैं। आप शिव मंदिर में एक दीपक ले लीजिए, सामान्य तरह का आटे का दीपक लगाते हैं तो यह तो अति श्रेष्ठ कहा गया है। आटे का दीपक जो प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल देता है, ठंडा होने के बाद जो है वह अन्नदान का फल देता है। चिड़िया कबूतर इत्यादि उसे ग्रहण करते हैं तो आप सभी को जीवन में सभी चीज़ों के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सभी, आप चाहें तो आवश्यक रूप से तुमरुका जी के नाम का दीपक जरूर से शिव मंदिर में लगाएं। एक दीपक ले लीजिए मिट्टी का, उसमें दीपक रख लीजिए, एक सामान्य बत्ती रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा काले तिल डालकर तुमरुका जी का स्मरण करते हुए सामान्य सरल तरीके से शिव मंदिर में एक दीपक लगा दीजिए। यकीन मानिए दीप का दान सर्वोत्तम दान के रूप में कहा गया है। जो व्यक्ति नियमित रूप से किसी कार्य का नियम लगाते हुए, नियम लेते हुए दीप दान कर देता है उसके जीवन में कोई कामना अधूरी रहती ही नहीं है। आप सभी को जरूर से आज के दिन सरलतम तरीके से जो मैंने प्रथम में बताया है उन स्थानों में सरलतम तरीके से दीपक लगाना है। यकीन मानिए आप सभी कृपाओं के पात्र रहेंगे। जितना संभव हो आज आप पीली वस्तुओं का चयन करें, दान करें श्री हरि विष्णु को, तुलसी का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं और साथ ही आज अपने हाथ से श्रीहरि विष्णु को पीले रंग के लड्डू का भोग लगाएं, काफ़ी सुखद फलों की प्राप्ति होगी। आज किसी बालक को विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, बच्चे की बुद्धि इत्यादि स्थिर नहीं है या जीवन में कोई पीड़ा चलती है तो किसी ब्राह्मण बालक या सामान्य गरीब जन के बालक को केला खिलाने से काफ़ी लाभ मिलता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो आप सभी को जरूर से आज केले का दान करना है, श्रीहरि विष्णु को भोग लगाना है। केले वृक्ष की विशेष पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है, अखंड सुहाग की इससे जो है वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह जो है पति बच्चे वैवाहिक सुख पारिवारिक सुख से जुड़ा होता है। जितना संभव हो आज श्री हरि विष्णु के प्रिय ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का एक माला जाप जरूर से करें। हर हर महादेव।